सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 95 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक आधे परसेंट के करीबन की करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 166 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में जो ग्रीन कलर के नेक लाइन देख रहे हैं, ये स्टॉक में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम कर रही है, क्योंकि स्टॉक ने 159 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट करके स्टॉक में एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। स्टॉक थोड़े टाइम के लिए तो इस प्राइस के पास कंसोलिडेट किया पर निचले लेवल पर फिर से एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिला, जहां पर स्टॉक का जो पिछला हाई था 169 रुपीज के स्टॉक 3 टाइम्स यानी 3 टॉप बन चुका है स्टॉक के अंदर। और वहीं पर स्टॉक के अंदर एक बिकवाली देखने को मिलती है, जहां पर जो नीचे का शॉर्ट टर्म में सपोर्ट लेवल है वो 162 रुपीज पर है और लॉन्ग टर्म में 158 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक नीचे यानी 158 रुपीज के प्राइस को कई बार रिटेस्ट कर चुका है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बनाना चाहते हैं तो 158 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रखें और ऊपर के टारगेट अराउंड 185 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक एक बार ऊपर में 170 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बना लेता है तो वहां पर स्टॉक के अंदर एक फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। और सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है, कंपनी के Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं, अगर वो अनुमान के मुकाबले अच्छे आते हैं तो वहां पर ये स्टॉक में तेजी का मोमेंटम देखने को मिलेगा और ऊपर में 171 रुपीज के टारगेट जल्दी ब्रेकआउट देता हुआ नजर आएगा और लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बनाए। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।